अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं सिलमेनी के लिए निकला हूँ। गाड़ी में मैंने कौन से स्वीट्स रखे हैं, तो आज के वीडियो में हम आप दोस्तों को कुछ नए स्वीट्स दिखाएंगे और आप दोस्तों को ये भी बताएंगे कि स्वीट्स के कारोबार में कितना मुनाफा है और कौन से स्वीट्स में ज़्यादा मुनाफा है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ और आप दोस्तों को दिखाते हैं कि हमने अपने गाड़ी में आज कौन से स्वीट्स ज़्यादा रखा है। अगर आप दोस्त कम बजट से कोई कारोबार शुरू करने का ख्वाहिशमंद हो तो हम आप दोस्तों को मशवरा देंगे कि आप दोस्त स्वीट्स का कारोबार शुरू करें, क्योंकि स्वीट्स एक मुनाफा बख्श और कामयाब कारोबार है। कामयाब कारोबार इसलिए है क्योंकि स्वीट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बंदा गरीब भी हो तो वो अपने बच्चों को स्वीट्स ख़रीदने के लिए ज़रूर पैसे देते हैं और मुनाफा बख्श इसलिए है क्योंकि हर चीज़ में अपना परसेंटेज होता है। यहाँ पर आप दोस्त मेरे गाड़ी में बहुत सारे किस्म के स्वीट देख सकते हो। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को अपना गाड़ी बाहर से दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने गाड़ी पर थोड़ा मेहनत किया है। मैंने कुछ लिखा है फ्रंट पर, आप दोस्त भी देखें कि मैंने टिक लिखा है या इसमें कुछ फर्क है या रद्द बदल करना चाहिए, तो आप दोस्त फिर नीचे कमेंट में मुझे बता दें। दोस्तों, इस गाड़ी में हम स्वीट्स का सेलमेनी करते हैं। आप दोस्त देख सकते हो मैंने फ्रंट पर लिखा है सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब नूर एमहान स्वीट्स वाला। ये मैंने इसलिए अपने गाड़ी पर लिखा है क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नूर एमहान स्वीट्स वाला है। आप दोस्त देख सकते हो मैंने अपने गाड़ी के फ्रंट सीट पर मूंगफली रखा है। ये मूंगफली हम बोरी के हिसाब से खरीदते हैं और उससे फिर छोटे पैक बनाते हैं 5 किलो वाला और फिर दुकानदारों पर बेचते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है कि मैंने अपने गाड़ी में 100 से ऊपर स्वीट के अकसाम रखे है। जो दोस्त दुकानदार हो तो उसको तो समझ आया होगा कि मैंने अपने गाड़ी में कौन सा स्वीट ज़्यादा रखा है, लेकिन मैं आप दोस्तों को फिर भी बताता हूँ। मैंने सबसे पहले 2 रुपये वाला बबल गम रखा है बॉम्स, फिर उसके बाद शापर वाला लोलीपॉप रखा है और उसके बाद फिर ये जो शापर में नज़र आ रहा है ये मारमूरा है। मारमूरे के बाद फिर हमने हिलाल केक रखा है। हिलाल केक एक रनिंग आइटम है। उसके बाद फिर मैंने ये चुनकिन टापी रखा है, ये 5 वाला है और पाकिस्तान एक मल्टीनेशनल कंपनी ये बनाता है, बहुत ज़बरदस्त टापी है। उसके बाद फिर मैंने ये जो गाय का तस्वीर नज़र आ रहा है ये मिल्क होता है पाउडर जैसा और ये बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, तो मैंने ये भी अपने गाड़ी में रखा है। इसी तरह मैंने एक लॉटरी अपने गाड़ी में रखा है, इसका नाम है इरतगल अंडा और ये भी आजकल बहुत ज़्यादा रनिंग है। इसमें दुकानदार के लिए एक गैप होता है कप का या गिलास का, इसी तरह गैप रखा है इसके डब्बे में। फिर मैंने वीपी वेपर रखा है, ये 5 वाला वेपर है। इसी तरह मैंने अपने गाड़ी में बहुत सारे किस्म के बिस्किट रखे हैं। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आप दोस्त ये सोचेंगे कि ये कोई कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, लेकिन मैं सिर्फ आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि अगर आप दोस्त स्वीट्स का कारोबार शुरू करना चाहते हो तो स्वीट में बहुत सारे आइटम है। यहाँ पर आप दोस्तों को जो जार नज़र आ रहा है ये प्लास्टिक वाला डब्बे, ये बाकी स्वीट के नस्बत इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है। होलसेलर के लिए और परचून दुकानदार के लिए दोनों के लिए अच्छा खासा मुनाफा है। इसी तरह ये जूम भी है, ये जूम भी एक त्रुस चॉकलेट होता है और इसका एक डब्बा दुकानदार को 80 का मिलता है और 105 रुपये बनाता है दुकानदार के लिए, एक डब्बे में 25 रुपये मुनाफा है दुकानदार के लिए। इसी तरह आप दोस्त देख सकते हो मैंने बहुत सारे किस्म के बिस्किट रखे हैं। स्वीट्स का कारोबार मुनाफा बख्श इसलिए है, अगर कोई दुकानदार के पास बिस्किट मौजूद हो तो उसके पास बबल गम नहीं होगा, अगर बबल गम मौजूद हो तो उसके पास कैंडी नहीं होगा, कैंडी मौजूद हो तो फिर उसके पास लॉलीपॉप नहीं होगा। तो दिन में आपसे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ बिक जाएगा तो आपको ज़रूर मुनाफा उससे हासिल होगा और हर चीज़ में अच्छा खासा मुनाफा है।
₹5 से लेकर ₹10 तक ₹20 तक हर आइटम में अच्छा खासा मुनाफा होता है। इसी तरह मैंने गाड़ी के पिछले हिस्से में ईरानी केक रखे हैं और नीम को रखे हैं। मैं आप दोस्तों को गाड़ी का पिछला हिस्सा अभी दिखाता हूँ। ये जो गाड़ी का पिछला हिस्सा है, यहाँ पर मैं ईरानी चॉकलेट और ईरानी केक रखता हूँ, लेकिन आजकल ईरानी केक और ईरानी चॉकलेट थोड़ा शॉर्ट है, तो आज मैंने सिर्फ अपने गाड़ी में दो किस्म की ईरानी केक रखा है, वविता और इन्वेटिव दोनों का दो दो फ्लेवर है। और इसके साथ मैंने गाड़ी में एलिना टापी रखा है, एलिना टापी ₹10 वाला है, ये भी ईरानी है। पिछले साल ईरानी चॉकलेट में अच्छा खासा मुनाफा था, लेकिन इस साल थोड़ा महंगा हो गया है, तो इसमें अभी मुनाफा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बॉर्डर खुल जाएंगे तो इसका कीमत फिर नीचे आएगा। यहाँ पर आप दोस्त मेरा गाड़ी बाहर से देख सकते हो, ये जो शीशे में नज़र आ रहा है, इस साइड पर हम बिस्किट रखते हैं, क्योंकि इसका शीशे खोलते हैं तो हम फिर शीशों की तरफ से इसका बिस्किट निकलवाता है। दोस्तों ये स्वीट्स का सिलमेनी का तरीका है। अब दोस्तों को मैंने एक एक चीज़ दिखाया, अगर आप दोस्तों को फिर भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पूछिए कि आप दोस्त क्या पूछना चाहते हो, और जो वीडियो में कोताही है वो भी आप दोस्त मुझे बता दें। अगली दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों के साथ ठीक तरीके से वीडियो शेयर करूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।